कास्टिंग काउच में ऐसे रंगे हाथ पकड़ा गया था बॉलीवुड का ये विलेन। साउथ फिल्मों की एक ट्रेस श्री रेड्डी ने कास्टिंग काउच का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने फिल्म चेंबर ऑफिस के बाहर टॉपलेस होकर धरना दिया। दरअसल एक ट्रेस काफी समय से फिल्म चेंबर से कास्टिंग काउच की शिकायत कर रही थी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, लिहाजा उसने टॉपलेस होकर विरोध करने का फैसला लिया। हालांकि पुलिस ने एक ट्रेस को तुरंत वहां से हटा दिया। उसने टॉलीवुड के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और एक्टर्स पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। साउथ ही बॉलीवुड में भी कास्टिंग काउच को लेकर मामले सुनने को मिले हैं। कई फिल्मों में विलेन का रोल प्ले करने शक्ति कपूर को रंगे हाथों पड़का था। बॉलीवुड में कास्टिंग काउच को लेकर काफी सालों से बहस चल रही है। इसमें कहा जाता है कि फिल्म से जुड़े बड़े लोग नए लोगों को चांस देने के लिए उनका शोषण करते हैं। वर्ष 2005 में बॉलीवुड के रियल लाइफ विलेन शक्ति कपूर असल जिंदगी में भी विलेन की तरह उभर कर सामने आए। दरअसल एक स्टिंग ऑपरेशन में शक्ति कपूर को फिल्मों में रोल दिलवाने के एवज में सेक्सुअली एडवांटेज लेने की कोशिश करते हुए कैमरे में कैद कर लिया गया था। जब स्टिंग ऑपरेशन का टेप जारी हुआ था तो बॉलीवुड में तहलका मच गया था। हालांकि शक्ति कपूर ने दावा किया था कि यह उनके खिलाफ साजिश है और टेप फर्जी है। इस मामले ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। स्टिंग ऑपरेशन के बाद शक्ति कपूर के फिल्मों में काम करने पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिल्म टीवी प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से यश चोपड़ा, सुभाष घई और अमित खन्ना ने यह फैसला लिया था। कास्टिंग काउच कंट्रोवर्सी पर शक्ति कपूर ने कहा था, मैं पूरी फिल्म इंडस्ट्री से माफी मांगता हूँ, मेरे सभी बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। शक्ति कपूर अपने करियर में तकरीबन 700 फिल्मों में काम किया है। ज्यादातर फिल्मों उन्होंने विलेन का किरदार निभाया है। विलेन के अलावा वे कॉमेडियन और अलग अलग किरदारों में भी नजर आए। शक्ति कपूर ने पद्मिनी कोल्हापुरे की बड़ी बहन शिवांगी कोल्हापुरे के शादी की है। दोनों ने 1982 में भागकर शादी की थी। जब शिवांगी ने शादी की उस वक्त उनकी उम्र 18 साल थी। शक्ति कपूर और शिवांगी के दो बच्चे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर हैं। श्रद्धा और सिद्धांत दोनों ही एक्टर हैं।